हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक इंडियन स्वीट डिश बनाऊंगी जो है रबड़ी मलाई रोल। अब आप सोच रहे होंगे कि रबड़ी मलाई रोल कैसे बन सकती है, रबड़ी का हम रोल कैसे बनाएं? तो वही रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी और आप सब इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही आसानी से घर में बहुत ही बढ़िया मिठाई बना सकते हैं। कोई भी मेहमान आए यानी गेस्ट आए या खुद में ही बनाकर आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरी ये रेसिपीज आपको पसंद आते हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है रबड़ी मलाई रोल। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें पनीर की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने फ्रेश पनीर ले लिया है। ये 1 लीटर दूध से बनी हुई फ्रेश पनीर है जिनका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से सूखे हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो मिठाई अच्छी नहीं बनती है। और फ्रेश पनीर घर में ही कैसे बनाते हैं वो मैंने बहुत सारी मेरी मिठाई की वीडियो में और फ्रेश पनीर बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में हमें चाहिए यहाँ पर कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून, ये बाइंडिंग के लिए है। और चाहिए 1.5 चम्मच चीनी यानी शुगर। और साथ में हमें चाहिए इलायची के पाउडर, ये 1/2 चम्मच इलायची के पाउडर है। इसमें से भी मैं आधा इसमें डालूंगी और बाकी बचा कर रखूंगी। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें गूंथना है। जब तक कि ना शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब तक हमें अच्छी तरह से इसे गूंथना है। इसे पंप की मदद से अच्छी तरह से ऐसे मसलते हुए गूंथना है, जैसे हम मैदा गूंथते हैं वैसे कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर चाहिए। कम से कम 10-15 मिनट तक इसे लगातार गूंथते रहें। तो ये मैंने इसे अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। इसे भी अभी बहुत अच्छी तरह से गूंथना है हमें। छेनी को मैंने ऐसे सॉफ्ट गूंथ लिया है। अब इसको शेप में लाएंगे। तो इसमें से ऐसे छोटे छोटे बॉल्स निकाल ले। तो अब बॉल्स को अच्छी तरह से हथेली की मदद से ऐसे घुमा लीजिए ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहे। ये हो गया। फिर इसको ऐसे लंबाई में कर लीजिए जैसे कि चमचम बनते हो। ये एक तैयार हो गई है, बाकी सब भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो इन सबको मैंने एक ही शेप में निकाल लिया है। अब इसको एक गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। इस मिठाई को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें मैं डाल दूंगी 2 कप पानी। ये 1 कप गई। और साथ में जाएगी 1/2 कप से भी थोड़ी सी कम चीनी। अब पहले शुगर को पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम थोड़ी सी कम कर देंगे और इसमें डाल देंगे इन सब को। और कुकर को ढक्कन लगाकर 2 व्हिसल यानी कि 2 सीटी आने तक इसे कुक कर लेंगे। और उसके बाद कुकर की पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद ही इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है रबड़ी।
आप सोच रहे होंगे ये कैसी रबड़ी है। हाँ, यही रबड़ी है, लेकिन ये अभी अरेंज्ड नहीं है। यहाँ पर है रबड़ी की जो गाढ़ी दूध होती है वो, और ये है रबड़ी की जो सूखी मलाई होती है वो। इसे आप घर पे ही बना सकते हैं और इसकी रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर रबड़ी की जो मलाई होती है, यानी कि दूध के ऊपर जो मलाई आते हैं, उसको मैंने सुखा लिया है गरम कढ़ाई में ही, और इसको मैंने मिलाया नहीं, अलग अलग रखा है, क्योंकि मुझे इसे अलग ही बनानी है। तो पहले ये दूध का कुछ करते हैं। ये दूध जो है ये बिल्कुल सादा दूध है, इसमें कोई भी फ्लेवर या मिठास अभी नहीं है। तो पहले इसको फ्लेवर्ड करते हैं। तो पहले एक पैन में इस दूध को निकाल लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी, साथ में डालेंगे बची हुई इलायची का पाउडर, शुगर को इसमें मेल्ट कर लेंगे और इस दूध को थोड़ी सी और गाढ़ा बना लेंगे। अब एकदम आखिर में इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच रोज वाटर और इसको मिला देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, अब इसे साइड में रखते हैं। अंदर की मिठाई यहाँ पर तैयार हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। तो इसे ऐसे थोड़ी सी स्क्वीज करके पानी को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा स्क्वीज ना करें, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। और फिर साइड में रख देंगे, वैसे ही सारी मिठाई के साथ ऐसा ही करेंगे, स्क्वीज करके पानी को निकाल लेंगे और फिर इसको साइड में रख देंगे। मलाई के पट्टे को मैंने ऐसे काट लिया है। अब क्या करेंगे, एक पट्टा ऐसे लेंगे और इसके बीच में चमचम को ऐसे स्टफ करेंगे। और ऐसे रख लेंगे और अब इसमें गरम गरम मलाई डाल देंगे। इसे गरम गरम ही डालना है ताकि जो मिठाई है वो इसे सोक कर पाए। ऐसे ही इसको 2 मिनट रखें, जब ये सोक हो जाए फिर उसके बाद ऊपर से वापस डालें। अब इसके ऊपर से थोड़े थोड़े से सैफ्रन को डाल के गार्निश कर देंगे। और साथ में डाल देंगे पिस्ते का पाउडर। आप चाहे तो कोई भी दूसरा ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी गार्निशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गई है रबड़ी मलाई रोल। इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। और इसे फ्रीज में रख कर के ठंडा सर्व करें या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में रखे ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आते हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।